फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, जो हमारा सिक्स्थ लेक्चर है टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसी यूनिट है जो हर टीचिंग एग्जाम में काम आएंगी। अगर हम सीलेट का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी काम आएगी, एचसेट में भी काम आएगी, केवीएस है, डीएसएस भी है, मतलब कोई भी एग्जाम जो टीचिंग से रिलेटेड है सब में हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो काम आता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लेवल्स ऑफ टीचिंग डिस्कस कर चुके हैं, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग डिस्कस कर चुके हैं। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है टीचिंग एप्टीट्यूड के नेम से, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस प्लेलिस्ट में इसे पहले वाली जितनी भी वीडियो अपलोड हमने की हैं आप वो चेक कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली जो भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है वो दो टाइप के होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हमें प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के। एक तो जनरल प्रिंसिपल होते हैं और एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल होते हैं। इससे पहले जब डिस्कस किया था वो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग थे। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग दैट मीन वो ग्राउंड रूल या वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो किसी टीचर को यूज़ करने चाहिए स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले, स्टूडेंट्स को टीच करने से पहले वो रूल्स के बारे में टीचर्स को पता होना चाहिए। पता होना चाहिए टीचर को पैडागोगी क्या होता है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मतलब मेन जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं टीचिंग के, जो टीचर को पता होना चाहिए, जो उस पर टीचर अमल करे, मीन्स जिसको टीचर अपनी टीचिंग में यूज़ करे। तो फर्स्ट हम करेंगे जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल में सबसे पहले आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन दैट मीन टीचर को जो है मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को, बच्चों में मोटिवेशन लाना चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो नई चीज़ को सीखने के लिए उनमें क्यूरियोसिटी पैदा हो, बच्चा नई चीज़ सीखना चाहे। मतलब ये काम भी किसका है, टीचर का ही है कि वो बच्चों में बच्चों को मोटिवेट करे, बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा करे नई नई थिंग्स को, नई नई चीज़ों को सीखने की। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा जनरल प्रिंसिपल में प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मीन्स हमें जो है बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए नई चीज़ों को सीखने के लिए, नई चीज़ों को समझाने के लिए, ताकि बच्चे नई चीज़ सीखे, हम उस चीज़ उससे के लिए हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। तो मीन्स टू क्रिएट क्यूरियोसिटी टू लर्न न्यू थिंग्स इन द स्टूडेंट्स। सेकेंड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी मीन्स टीचर जो है वो बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू सिखाए। एक्टिविटी में हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी आ सकती है और हमारी मेंटल एक्टिविटी भी आ सकती है। मतलब कि जो टीचर है वो फिजिकल एक्टिविटी करके और मेंटली जो बच्चों को एक्टिविटीज़ करवा के भी जो टीचर है वो अपना कंसेप्ट, जो टीचर है वो मतलब जो भी चीज़ वो जो कंसेप्ट जो सिखाना चाहता है बच्चों को वो बाय एक्टिविटीज़ भी सिखा सकता है। इसके अंदर एक्टिविटीज़ मीन्स मतलब हमें काम करना है, तो लर्निंग बाय डूइंग, जब हम कुछ करके सिखाते हैं। और ये जो है फ्रोबल किंडरगार्टन के अंदर भी ये बात कही गई है कि लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए टीचर्स के अंदर, मतलब जो टीचर्स है वो बच्चों को सिखाए लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि कुछ करके जो है बच्चों को वो चीज़ लर्न करवाए। तो ये सेकंड था हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, जिसमें जो है टीचर एक्टिविटीज़ करवा के, फिज़िकल एक्टिविटीज़ या मेंटल एक्टिविटीज़ करवा के भी जो स्टूडेंट्स को अपना जो कंसेप्ट सिखाना चाहता है वो कंसेप्ट समझाता है बाय एक्टिविटीज़। थर्ड आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट मींस जो टीचर है वो बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करता है, बच्चों में इंटरेस्ट को क्रिएट करता है टू लर्न थिंग्स। इंटरेस्ट पैदा करता है टीचर, जेन्युइन इंटरेस्ट पैदा करता है, जो ताकि जो टीचर है वो सिखा पाए बच्चों को नई थिंग्स के बारे में। दूसरी बात, बच्चा जो है बच्चे में इंटरेस्ट क्रिएट करने का मीन्स ये हुआ, बच्चे में इंटरेस्ट को जनरेट करने का मतलब ये हुआ कि जो बच्चा है वो खुद से भी इंटरेस्ट हो उसके अंदर उस चीज़ को सीखने का। अगर टीचर फुल्ली प्रिपेयर्ड है, टीचर का इंटरेस्ट है बच्चे को उस चीज़ सिखाने में, पर बच्चे का ही इंटरेस्ट नहीं है सीखने में, तो बच्चा उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। मीन्स स्टूडेंट्स का भी टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट का भी इंटरेस्ट, जेन्युइन इंटरेस्ट जनरेट करे, ताकि जो बच्चा है स्टूडेंट्स है वो भी खुद से उस चीज़ को सीखना चाहे। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट मतलब दोनों में एक ही बात है कि बच्चे में इंटरेस्ट को पैदा करना, बच्चे में इंटरेस्ट को क्रिएट करना, ताकि जो बच्चा है वो खुद से भी इंटरेस्ट हो उसमें, खुद से भी वो उस चीज़ को सीखना चाहे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ का मीन्स है कि जो टीचर है वो अपने
जो भी कंसेप्ट, जो भी चीज़ वो सिखा रहा है उसको उसको चाहिए कि वो उसको कंसेप्ट को लाइफ के साथ लिंक करें। अगर उसको वो लाइफ के साथ लिंक नहीं करेगा तो जो बच्चा है वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए टीचर को चाहिए कि वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू जो है उस कंसेप्ट को सिखाए। अभी जो हमारे कुछ लाइफ एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे होते हैं जो हमारे जो हमें कोई नया कंसेप्ट सीखने में बहुत हेल्प करते हैं। इसी वजह से एक प्रिंसिपल ही है इस लिंकिंग विद लाइफ का, कि टीचर को चाहिए कि वो अपने लाइफ के कंटिन्यूस जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करें बच्चों के साथ, ताकि जो बच्चा है वो लाइफ के साथ भी कनेक्ट हो, प्लस वो उस कंसेप्ट से भी कनेक्ट हो। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन मींस, तो टीचर को चाहिए कि वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करे डे बाय डे। मतलब जो बच्चा टीचर है उसकी वास्ट नॉलेज होनी चाहिए डे बाय डे, फिर उसमें से जो सिलेक्टेड पार्ट है मीन्स उसको फिर, अब जो टीचर की नॉलेज है वो बहुत वास्ट होती है क्योंकि वो दिन डे बाय डे कुछ ना कुछ नई चीज़ लर्न करता है, डे बाय डे नए कंसेप्ट को सीखता है। इसकी वजह से जो बच्चा टीचर है उसकी जो नॉलेज है वो एक वास्ट नॉलेज होती है। अभी टीचर को जो सिखाना है बच्चे को उसमें से एक जो सिलेक्टेड, हम बोलते हैं ना पिकअप द सिलेक्टेड रेलिवेंट, मतलब कि जो सिलेक्टेड रेलिवेंट या जो ऐसे टॉपिक को चूज़ करे वो, जो उसमें से प्रॉपर टॉपिक को चूज़ करे, सेलेक्ट करे, ताकि उस चीज़ से बच्चा सीख पाए। मतलब पिक अप द रेलिवेंट कंटेंट, अगर जो टीचर है वो रेलिवेंट कंटेंट को उठाएगा अपनी वास्ट नॉलेज में से तो बच्चा है वो इजीली कनेक्ट हो पाएगा। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन भी एक प्रिंसिपल ही है। मतलब टीचर को सिलेक्शन करना भी आना चाहिए कि मैं कौन सा कंटेंट अपनी कंटेंट उठाऊँ ताकि जो बच्चा है वो उससे कनेक्ट हो सके। अगर टीचर के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है पर उसको ये नहीं पता कि मुझे बच्चों के सामने किस कंटेंट को प्रेजेंट करना है, उसको सेलेक्ट नहीं करना आ रहा अपने नॉलेज में से, तो फिर वो टीचर है उसकी टीचिंग इतनी यूज़फुल नहीं होगी। इस वजह से जो है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन भी होना चाहिए। मतलब टीचर के अंदर सिलेक्शन का भी एक प्रिंसिपल होना चाहिए कि वो अपनी नॉलेज में से, अपने कंटेंट में से एक रेलिवेंट कंटेंट को चूज़ कर पाए, उसको पिक कर पाए, उसको सेलेक्ट कर पाए बच्चों को सिखाने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग मतलब क्या होता है कि अभी टीचर को ना टाइम टू टाइम ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए अपने, ताकि जो उसकी जो रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से वो यूज़ कर सके, उसको प्रॉपरली यूज़ कर सके, उसको ऑप्टिमम यूज़ कर सके। इस वजह से जो है प्रिंसिपल को जो है सर्टेन टाइम बेस्ड ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए। साथ साथ हर टीचर को चाहिए कि वो सिस्टमेटिक हो, ताकि सिस्टमेटिक वे में अपनी वो रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, प्लस वो अपने टाइम लिमिट का भी ध्यान रखे। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग मतलब सीधा सा मीनिंग इसका ये हुआ कि जब भी टीचर जो है अब किसी क्लास में जाता है, फॉर एग्जांपल अगर टीचर किसी क्लासरूम में जाएगा, तो क्लासरूम में जाने से पहले जो टीचर है वो अपनी प्लानिंग करके जाएगा कि मुझे ये कंटेंट कितनी टाइम लिमिट में प्रेजेंट करना है। दूसरी बात, प्लस वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि मुझे इस कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए कौन से रिसोर्सेज का यूज़ करना है। मतलब इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में क्या है कि वो रिसोर्सेज का भी ध्यान रखता है कि मुझे कौन सा रिसोर्सेज यूज़ करना है, प्लस वो टाइम लिमिट भी ध्यान रखता है कि मुझे कितने टाइम लिमिट में वो अपना टॉपिक कंप्लीट। तो जो टीचर को है वो अपने रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना चाहिए कि किन रिसोर्सेज को वो यूज़ करे बच्चों को सिखाने के लिए, और कितनी टाइम लिमिट में उसको अपना कंटेंट है वो जो है कंप्लीट करना है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग मींस जो टीचर है वो पहले से प्लान करके चलता है, पहले से अपना एक ऑब्जेक्टिव बना के चलता है कि मुझे किन रिसोर्सेज का यूज़ करना है और कितने टाइम लिमिट में अपने कंटेंट को डिलीवर करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, अगर टीचर एक अच्छा जो टीचर है उसकी प्लानिंग अच्छे से होगी, अगर उसको नहीं पता कि मुझे रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने और किस टाइम पर यूज़ करने हैं, तो फिर वो टीचिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग भी एक तो ये जनरल प्रिंसिपल है टीचिंग का। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न। और प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न मीन्स कि जो टीचर है उसको आना चाहिए कि वो अपनी होल जितना भी उसका कंप्लीट जो उसका कंसेप्ट है उसको वो डिवाइड करे कुछ पार्ट्स में। मतलब उसमें उसको डिवीज़न आनी चाहिए कि जो टीचर है वो अपने होल कंसेप्ट को पार्ट्स में डिवाइड करे, और उसके बाद वो एक एक पार्ट को समझाए बच्चों को ताकि बच्चा इजीली समझ पाए। ये वही मैगजीम होंगे जो हमने कल डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न वाला, उसमें हमने एनालिटिक टू सिंथेसिस डिस्कस किया था, जिसमें टीचर क्या करता है पहले कंप्लीट सेंटेंस को एनालिटिक करता है, मीन्स उसको पार्ट्स में डिवाइड करता है, डिवीज़न करता है, उसके बाद वो क्या करता है एक एक पार्ट को
समझाता है, वो अगर कंप्लीट सेंटेंस समझाने लगेगा तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। उसकी वजह से क्या है कि जो टीचर है, पहले उसमें एक डिवीज़न का प्रिंसिपल होना चाहिए कि वो अपने होल कंटेंट को पार्ट्स में डिवाइड कर सके और फिर एक एक पार्ट है वो बच्चे को समझाए, ताकि जो बच्चा वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन मतलब कि अभी हमने कोई चीज़, जैसे हम अपने हर वीडियो में वही काम करते हैं कि पहले हम पूरे कंटेंट को रीड पढ़ के फिर हम पूरे कंटेंट की छोटी सी रिवीजन लेते हैं 2 से 3 मिनट के, जिसमें हम जितना भी हमने डिस्कस किया है अपने वीडियो के अंदर उसको सारा रिवाइज करते हैं, क्योंकि रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी हम जब भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम अभी कितने कितने महीनों लगे रहते हैं, फिर एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम वाले दिन हम अपनी रिवीजन करके जाते हैं, ताकि क्योंकि रिवीजन मीन्स ये होता है कि जो हमने अभी रिसेंट, रिवीजन को हम बोल सकते हैं कि जो रिसेंट में हमने याद किया, जो रिसेंट में हम रिवाइज करते हैं वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। इसी वजह से प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन भी होना चाहिए कि जो टीचर है वो अपना कंटेंट को डिलीवर करने के बाद एक छोटी सी रिवीजन, मतलब एक रिवीजन करवाए, ताकि जो बच्चा है वो उन सभी पॉइंट से वापस गो थ्रू हो पाए जो हमने डिस्कस किए थे। तो ये काम हम अपने हर वीडियो के एंड में करते हैं, कंप्लीट कंटेंट डिलीवर करने के बाद, हर चीज़ को समझने के बाद, पहले डिटेल में समझते उसके बाद हम एक रिवीजन मीन्स एक छोटा सा पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं, सिर्फ पॉइंट्स के नेम डिस्कस करते हैं ताकि वो चीज़ थोड़ी सी रिवाइज हो जाए। तो ये था हमारा जनरल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। जनरल प्रिंसिपल में हमारे एक प्रिंसिपल और है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग मीन्स कि इसमें क्या है, हम बच्चे को इन्वॉल्व, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हों, बच्चा बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, बच्चे में सेल्फ रिस्पेक्ट आए, उसको डेवलप करने के लिए हम डेमोक्रेटिक डीलिंग का भी जो प्रिंसिपल है वो टीचर में होना चाहिए। टीचिंग के ही प्रिंसिपल हैं कि कोई भी टीचर है वो टीच कराएगा, तो टीच कराने से पहले उसमें सभी प्रिंसिपल्स की उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं एक्टिविटी का भी प्रिंसिपल होना चाहिए, बच्चों में इंटरेस्ट जो है क्रिएट करने का भी प्रिंसिपल होना चाहिए। जो टीचर है वो लाइफ के एक्सपीरियंसिस के साथ जो है बच्चों को कनेक्ट कर पाए, ताकि बच्चा है वो हर चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए। तो ये हमारे जनरल प्रिंसिपल थे, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो या फिर आप स्क्रीनशॉट लो, आप जैसे सही समझते हो वैसे कर लो। उसके बाद हमने जनरल प्रिंसिपल कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आते हैं हमारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन, प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन। अभी प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन का एक, कई बार क्या होता है कि एक लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो उस लेंथी लेक्चर को सुनने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो बोर हो जाते हैं, उस लेक्चर से थक जाते हैं, कुछ भी लगा लो आप, जो स्टूडेंट्स हैं वो उस लेक्चर से उनसे उनको थकान हो जाती है। तो अभी टीचर ने एक लेंथी जो है क्लास कम्प्लीट की है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 आवर्स के जो कोई क्लास है वो कम्प्लीट की है, टीचर को अभी 1.5 आवर का जो है और भी समझाना है कंटेंट बच्चों को। तो अभी अगर 2 घंटे की क्लास लेने के बाद टीचर फिर से शुरू हो जाएगा 1.5 आवर की क्लास लेने के शुरू होने के लिए, अपना कंटेंट डिलीवर करना शुरू कर देगा, तो उसके बाद क्या होगा, जो बच्चा है वो, हो सकता है बच्चे का इस क्लास में तो इंटरेस्ट हो कि बच्चे ने वो क्लास बहुत ध्यान से सुनी हो, पर उसके बाद क्या है कि वो 1.5 आवर क्लास में उसको ध्यान ही नहीं होगा, क्योंकि बच्चा उस 2 घंटे वाली जो क्लास है, टू आवर वाली जो हमारी क्लास थी, उससे जो बच्चा है वो कम्प्लीटली थक चुका है। मतलब उसमें जो बच्चे में बोरियत आ गई है, अभी कोई भी लेक्चर है, हम भी ऐसे ही हैं कि अगर हम कोई 2 घंटे का लेक्चर लगातार सुनेंगे तो उसकी वजह से हम भी कुछ ना कुछ हमें ब्रेक चाहिए, ताकि हम वापस अपना जो है शुरू कर सके अगले लेक्चर की प्रिपरेशन। इसी वजह से क्या होता है कि बच्चे जो टीचर है उसमें एक रिक्रिएशन का प्रिंसिपल भी होना चाहिए, ताकि जो टीचर है वो टैकल कर सके उस फैटिग्यू से जो बच्चों में हुई है एक लेंथी क्लास को अटेंड करने के बाद। तो इसमें क्या है, टीचर के अंदर रिक्रिएशन, मतलब बच्चे को रिक्रिएट का भी एक होना चाहिए, ताकि जो बच्चा है और जो टीचर है वो वापस एक ब्रेक दे के बच्चों को एक वापस उनको तैयार कर सके, रेडी कर सके नेक्स्ट लेक्चर को शुरू करने के लिए। तो रिक्रिएशन, दैट मीन इसको रिक्रिएशन का एक सिंपल वर्ड हुआ कि बच्चों को प्रिपेयर करना नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो अगर बच्चे टीचर में रिक्रिएशन का प्रिंसिपल हुआ, अभी टीचर को पता है कि उसको कैसा ब्रेक देना है, मतलब कैसे बच्चों को थोड़ा सा बोरियत से बाहर लेके आना है, या कैसे बच्चों को थोड़ा सा इन्जॉय कराना है, ताकि जो बच्चा है वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हो, प्रिपेयर हो,
तो ये प्रिंसिपल भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारा, जिसको हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का। तो प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन मीन्स बच्चे को प्रिपेयर करना नेक्स्ट लेक्चर को अटेंड करने के लिए, जिसमें जब टीचर है वो बच्चों को एक छोटा सा ब्रेक देता है ताकि जो बच्चा है वो वापस रिक्रिएट कर सके अपने माइंड को नई चीज़ों को सीखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज। ये स्मॉल स्टूडेंट के केस में होता है कि जब भी हम कोई काम करवाते हैं तो उसको रिपीट करवाते हैं ताकि जो बच्चा उसको लर्न कर सके, प्लस एक्सरसाइज मीन्स कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन भी, कुछ एक्सरसाइज भी करवाते हैं ताकि जो बच्चा है वो उस चीज़ से लिंक हो सके, समझ सके। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी, अभी कोई टीचर है जिसका जो बिहेवियर अगर रूड है तो बच्चे उससे जो है कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर बच्चे टीचर से ही कनेक्ट नहीं होंगे तो जो टीचर जो भी सिखाएगा बच्चे उससे भी ज़्यादा जो कनेक्ट नहीं होते। इसी वजह से क्या है, टीचर के अंदर सिंपैथी का भी प्रिंसिपल होना चाहिए, टीचर के अंदर सिंपैथी भी होनी चाहिए, प्लस टीचर को कोऑपरेट करना चाहिए बच्चों के साथ। अगर उस टीचर में बच्चों के साथ कोऑपरेट करने का ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उस टीचर के अंदर कोई फीलिंग नहीं है कि बच्चों को कैसे कोऑपरेट करे, कैसे उन बच्चों को सिंपैथी दे, तो फिर जो टीचर है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसी वजह से टीचर के अंदर प्रिंसिपल होना चाहिए कोऑपरेशन का और सिंपैथी का, ताकि जो बच्चों को वो मॉनिटर कर सके, जो भी उनको रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर सके। कोई लर्नर है वो स्लो लर्नर है और टीचर अपना फास्ट उसमें करवाई जा रहा है, तो फिर उससे जो है ना तो बच्चा कनेक्ट हो पाएगा और ना टीचर। तो इसी वजह से एक हमारा वैक्सीन भी था इस टाइप से कुछ कि फॉलो नेचर, जो टीचर जो बच्चे का नेचर है उसके अकॉर्डिंग भी टीचर को फॉलो करना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए और टीचर को चाहिए कि बच्चे के साथ कोऑपरेट करें। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट। प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट मीन्स होता है कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड। अभी जो टीचर को चाहिए कि वो बच्चे के बिहेवियर के लिए उसको पनिश भी कर सके और उसको रिवॉर्ड भी दे सके। अगर कोई बच्चे ने अच्छा काम किया है तो टीचर को चाहिए कि उसको रिवॉर्ड दे ताकि उस बच्चा जो बच्चा है वो मोटिवेट हो उस काम को करने के लिए, और अगर बच्चे ने कुछ गलत काम किया है तो टीचर को चाहिए कि वो बच्चे को पनिश करे ताकि वो वापस उस काम को फ्यूचर में ना करे। तो रेनफोर्समेंट में हमारे दो मेन आती हैं, या तो उसको या तो पनिश किया जाए या फिर उसको रिवॉर्ड दिया जाए। तो या तो बच्चे को पनिशमेंट मिलेगी या फिर उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर बच्चे ने कुछ काम किया और टीचर कॉन्स्टेंट है, ना तो उसको पनिशमेंट किया ना रिवॉर्ड किया, तो बच्चे को क्या पता चलेगा कि मैंने कोई काम सही किया है गलत। इसी वजह से क्या है, टीचर में रेनफोर्समेंट का प्रिंसिपल भी होना चाहिए ताकि जो है बच्चे को पता हो कि अगर उसे पनिशमेंट मिली है तो मीन्स उसने वो काम गलत किया है, वो आगे फ्यूचर में नहीं करेगा, और अगर उसको रिवॉर्ड मिला उस चीज़ का तो मीन्स उसने वो काम अच्छा किया है, इसलिए उसको फ्यूचर में भी रिपीट करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग का मीन्स होता है कि रेमेडियल मीन्स उपचार करना, रेमेडियल को हम हिंदी में उपचार बोलते हैं। उपचार करना चाहिए टीचर को अपने ही मेथड्स का। इसका ये मतलब हुआ कि अब अगर टीचर ने कोई मेथड यूज़ किया और उससे जो है बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, जो रिसोर्सेज है, जो मेथड्स टीचर यूज़ कर रहा है, जो मिस, तो उससे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, तो टीचर को चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करे कहाँ उसकी मिस्टेक है, किस मेथड में उसकी मिस्टेक है, रिसोर्सेज में मिस्टेक है। अभी उसको अपनी मिस्टेक का पता चल गया तो मिस्टेक से वो क्या करेगा, उस चीज़ की रेमेडी करेगा, मतलब कि उसको ख़त्म करने का, उसको उपचार करेगा उस मेथड का, ताकि वो कोई नया मेथड यूज़ करेगा या फिर नए रिसोर्सेज को यूज़ करेगा। कुल मिला के क्या करेगा टीचर, अपनी टीचिंग की रेमेडी करेगा, मीन्स उसका उपचार करेगा, उसको चेंज करेगा, जैसे जिससे बच्चे को इजीली बच्चा है वो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सके। तो प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग भी होना चाहिए। अभी टीचर ने कुछ सिखाया और उस टीचर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा, या फिर वो नहीं चेक कर रहा कि मैंने क्या चीज़ सिखाई वो बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही, तो इसलिए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ टीचिंग का। तो टीचर को चाहिए कि जो भी वो कंटेंट डिलीवर कर रहा है उसके बाद बच्चे से आउटकम ले, बच्चे से रिजल्ट ले कि बच्चे को वो चीज़ लर्न हुई है या नहीं हुई, बच्चे को वो कंटेंट समझ में आया है नहीं आया। अगर बच्चे को कंटेंट समझ में आ रहा है इसका मतलब वहाँ टीचिंग सही है, अगर बच्चे को वो कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारे मेथड्स में, रिसोर्सेज में या फिर टीचिंग में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो टीचर को फिर उसके बाद वो मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके उस मिस्टेक को चेंज करना चाहिए, ताकि उस मिस्टेक को चेंज, मतलब चेंज मीन्स उस मिस्टेक को रेमेडी
उसके उस मिस्टेक का सोल्यूशन निकालना चाहिए ताकि जो बच्चा है वो वापस से उस चीज़ को समझ सके। और जब भी वो मिस्टेक निकालेगा तो उसको पॉसिबल आउटकम्स चेक करने चाहिए कि क्या क्या उस मिस्टेक को ठीक करने के क्या क्या आउटकम क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं जैसे उस मिस्टेक को चेंज करेगा, या फिर क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं ताकि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसमें टीचर को पता होना चाहिए कि उसको अपने सेंसेस का यूज़ कैसे करना है। मतलब टीचर है उसको अपनी सेंसेस की ट्रेनिंग होनी चाहिए और टीचर को पता होना चाहिए कहाँ उसको ईयर का यूज़ करना है, कहाँ उसको आइज़ का यूज़ करना है। कोई चीज़ ऐसी होती है जो हम सिर्फ एक्सप्रेशन से ही समझा सकते हैं, मीन्स टीचर को चाहिए कि वो अपने सेंसेस का यूज़ अच्छे से करे। सेंसेस का यूज़ करना आए टीचर्स को, आइज़, ईयर्स, नोज और स्किन और टंग हमारे 5 सेंसेस हैं, तो उन 5 सेंसेस की ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर को ताकि वो बच्चे को अपना कंटेंट अच्छे से समझा पाए। नेक्स्ट और लास्ट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये वही हुआ जो हमने किया था जनरल प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, उसी का नाम सेकेंड है ये प्रिंसिपल ऑफ इंकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। मतलब टीचर को क्या चाहिए कि वो जो है बच्चे में क्रिएटिविटी पैदा करे, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए उसको इनक्रेज करे। तो ये हमारे जनरल प्रिंसिपल थे और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल थे, दोनों प्रिंसिपल को हमने डिस्कस किया। वापस छोटा सा रिवीजन लेते हैं हम। जनरल प्रिंसिपल में हमारा फर्स्ट था प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, जिसमें जो है टीचर मोटिवेट करता है बच्चों को नई चीज़ों को सीखने के लिए, नई नई चीज़ों को उसमें नई नई चीज़ों को समझाने के लिए भी बच्चे में वो इंटरेस्ट पैदा करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, जिसमें 2 एक्टिविटीज़ जो है टीचर करता है, या तो फिजिकल एक्टिविटीज़ करेगा या फिर मेंटल एक्टिविटीज़ करेगा जिसके थ्रू जो है टीचर्स बच्चों को समझा पाएगा। टीचर प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का एक नाम और है लर्निंग बाय डूइंग, जो फ्रोबल किंडरगार्टन के अंदर आता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन काफ़ी हद तक सेम है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट के अंदर भी वही बात है कि टीचर को बच्चे के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट क्रिएट करना है ताकि बच्चा खुद से वो चीज़ सीखना चाहे। अगर टीचर सिखाने के लिए रेडी है पर स्टूडेंट सीखने के लिए रेडी नहीं है, बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो टीचिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ मीन्स टीचर्स को अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस का भी यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चा है वो उस कंसेप्ट से लिंक हो सके, उस लाइफ से लिंक हो सके जो टीचर समझाना चाह रहा है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। तो अब इसमें क्या है, टीचर की नॉलेज बहुत वास्ट होती है, बहुत बड़े लेवल पर नॉलेज होती है, क्योंकि टीचर जो है वो डे बाय डे कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखता ही रहता है। उसके बाद टीचर को पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा कंटेंट पिक करना है, कौन सा कंटेंट सेलेक्ट करना है। मीन्स टीचर को चाहिए कि वो अपना रेलिवेंट कंटेंट सेलेक्ट करे ताकि बच्चा उससे ईजिली कनेक्ट हो पाए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में हमने डिस्कस किया था कि जो टीचर है उसको लेक्चर डिलीवर करने से पहले या फिर क्लास में जाने से पहले उसको पता होना चाहिए कि मुझे कौन से रिसोर्सेज का यूज़ करना है और मुझे कितनी टाइम लिमिट में अपना कंटेंट डिलीवर करना है। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग मीन्स जो टीचर है वो पहले से प्लानिंग करके चलता है लेक्चर डिलीवर करने से पहले। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न। प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न का मीन्स ये है कि जब भी हम कोई होल कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, होल कंटेंट डिलीवर करना चाहते हैं, तो उससे पहले जो टीचर है वो उस पूरे कंटेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगा और उसके बाद एक एक पार्ट को समझाएगा ताकि बच्चा इजीली समझ पाए। अगर कोई सेंटेंस है और वो एकदम से ही पूरा कंटेंट समझाने शुरू कर देगा टीचर्स, तो जब बच्चा वो नहीं समझ पाएगा। पर अगर टीचर है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके समझाएगा तो फिर वो समझ में आ जाएगा। अभी वही एग्जांपल हो गया, अभी हमने डिस्कस किया जनरल प्रिंसिपल। अगर मैं इन सभी प्रिंसिपल्स को एक पैराग्राफ में लिख दूं और आपको पैराग्राफ में समझाना शुरू कर दूं, तो आई थिंक आपको शायद ना समझ में आए। इसी वजह से हमने एक एक प्रिंसिपल को पार्ट में डिवाइड किया ताकि वो ईजिली समझ आए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन अभी हम वही काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपना कंटेंट को डिटेल में डिस्कस करने के बाद छोटे से रिवीजन कर रहे हैं ताकि हम उस सभी पॉइंट से गो थ्रू हो सके जो हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट आता है हमारा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में फर्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन। मीन्स टीचर में रिक्रिएशन का प्रिंसिपल हो ताकि जो टीचर है वो बच्चे को प्रिपेयर कर सके, रिक्रिएट कर सके उसके माइंड को, ताकि वो नया कंटेंट नया लेक्चर को सुनने के लिए रेडी हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन भी होना चाहिए टीचर के अंदर। अगर जो टीचर है वो
कोऑपरेट नहीं करेगा बच्चों के साथ तो फिर जो उसकी जो टीचर बच्चे हैं वो भी लिंक नहीं होंगे टीचर के साथ। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एक्सरसाइज, जो हम छोटे बच्चों में करते हैं, कोई भी कंटेंट डिलीवर करने के बाद उसको रिपीट करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि बच्चा उससे ज़्यादा लर्न करे। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट। प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट में दो चीज़ आते हैं हमारी मेन, या तो टीचर जो है पनिशमेंट यूज़ करेगा या फिर रिवॉर्ड। पनिशमेंट तब यूज़ करेगा जब बच्चा गलत काम करेगा, और रिवॉर्ड तब यूज़ करेगा जब बच्चा अच्छा काम करेगा। अगर टीचर है वो कॉन्स्टेंट वो देगा, मीन्स कॉन्स्टेंट रहेगा, बच्चा अच्छा काम करे गलत काम कर रहा है तो उसके बाद बच्चा जो है बच्चे को नॉलेज नहीं रहेगा कि उसने काम सही किया या फिर गलत। इसी वजह से बच्चे टीचर को यूज़ करना चाहिए पनिशमेंट जब कोई गलत काम हो रहा है, और रिवॉर्ड जब कोई अच्छा काम हो रहा है। अगर रिवॉर्ड देगा तो बच्चा मोटिवेट होगा अगला काम नेक्स्ट वही काम करने के लिए, नेक्स्ट वो अच्छा काम करने के लिए ट्राई करेगा, और पनिश होगा तो फिर वो जो बच्चा वो फ्यूचर में नहीं करेगा कोई गलत काम। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग मीन्स जो प्रिंसिपल है, जो टीचर है वो रेमेडियल टीचिंग का यूज़ करता है। रेमेडियल टीचिंग मीन्स जो टीचर है वो अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ उसकी मिस्टेक है बच्चों को समझाने में, और उसके बाद उस मिस्टेक के को उसका सॉल्यूशन निकालने की ट्राई करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू साइंसेज, जिसमें जो है टीचर अपने साइंसेज की ट्रेनिंग करता है ताकि वो बच्चे को ईजिली अपना कंटेंट डिलीवर कर पाए, बच्चा अच्छे से समझ पाए। और नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, मीन्स जो टीचर है वो क्रिएटिविटी पैदा करता है बच्चों में और उनको इंकरेज करता है ताकि वो खुद को सेल्फ एक्सप्रेस कर पाएँ, खुद को समझा पाएँ, खुद को खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बना पाएँ। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप हमारी ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।